अगर आप नोएडा नोएडा एक्सटेंशन में 3 BHK अपार्टमेंट की तलाश में हैं तो आई एम श्योर आपने देखा होगा कि आज 3 BHK अपार्टमेंट नोएडा एक्सटेंशन में 5 से 5,500 रुपये के रेट पे आता है। तो दैट मीन्स अगर आप सबसे छोटा साइज 3 BHK में जो करीबन 1,100 स्क्वायर फीट है अगर वो भी लेते हैं तो करीबन 55 लाख रुपये की इसकी ऑल इंक्लूसिव कॉस्टिंग आती है। आज एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 55 लाख रुपये का 3 BHK अपार्टमेंट लेना वो भी छोटे साइज में काफ़ी मुश्किल काम है। तो आज हम आपको एक ऐसी बेहतरीन लोकेशन पर एक उसका सलूशन बता रहे हैं जिसमें 40 से 42 लाख रुपए में 3 BHK अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो दैट मीन्स अगर मैं प्राइस की डिफरेंस की बात करूं तो करीबन 15 लाख रुपए का प्राइस का फ़र्क है अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन से इसको कंपेयर करता हूं। तो और लोकेशन की बात करते हैं तो फार बेटर लोकेशन है उससे, कम से कम 10 से 15 गुना बेटर लोकेशन पर आपको उससे 15 लाख रुपये सस्ता 3 BHK अपार्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हेलो गाइस वेलकम। आज मेरा वापस आना हुआ है ग्रेटर नोएडा में और जिस सेक्टर में आज आया हूँ वो है ओमिक्रॉन 3 और जिस प्रॉपर्टी को मैं कवर करने आया हूँ वो है मैक्सन अल्टीमो। ये एक हमारी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है जिसमें आपके पास 2 and 3 BHK एंड 4 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँ तो मेरे पीछे बैक साइड में 130 मीटर रोड है जो आपका परी चौक से या डिपो मेट्रो स्टेशन से मूव करती हुई आ रही है। डिपो मेट्रो स्टेशन अराउंड 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सामने ये जो पूरी बेल्ट आप देख रहे हैं ये 100 मीटर की बेल्ट है जो डिपो मेट्रो स्टेशन से सीधी मूव करती हुई जा रही है आगे की तरफ ओमिक्रॉन 201 और टूवर्ड्स ईस्टर्न पेरीफरल एक्सप्रेस वे। ईस्टर्न पेरीफरल एक्सप्रेस वे यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पर है जो कि कुंडली गाजियाबाद पलवा की कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये आपका मैक्सन अल्टीमो है, 6.5 एकड़ का लैंड है, 7 टावर्स हैं आपके। अगर मैं इधर की तरफ देखता हूं तो यहां पर सारे प्लॉट्स हैं 120 मीटर के, तो यहां पर कोई हाई राइज नहीं है आपका। पीछे ओमिक्रॉन 3 का आपका पार्क एरिया है तो पीछे बैक साइड में भी कोई हाई राइज नहीं आएगा। प्लस अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूं तो ये 60 मीटर की रोड है इधर की तरफ और ग्रीन बेल्ट है आपकी, तो इधर भी एक बहुत अच्छा व्यू आता है। तो जिस भी बालकनी में आप अपना खड़े होंगे तो आपको एक बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो लोकेशन वाइज अगर आप देखते हैं ये प्रॉपर्टी लो डेंसिटी एरिया में और जिसकी कनेक्टिविटी सीधी 130 मीटर रोड से है, ऐसी एंट्रेंस आपको किसी और प्रोजेक्ट में अवेलेबल नहीं होगी। सामने आप देख सकते हैं कमर्शियल पूरा ऑपरेशनल हो चुका है, क्लब हाउस बन चुका है, ऑलरेडी फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, तकरीबन 300 फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं जिसमें आप बाहर की तरफ देख भी सकते हैं ये सारे बालकनीज ऑपरेशनल हैं। तो ये 4 टावर्स हैं इधर की तरफ, 1, 2, 3 and 4 बैक साइड में। इनका OC आ चुका है, रजिस्ट्री ओपन हो चुकी है। 5, 6, 7 जो 3 टावर हैं आपके इनका OC अप्लाई कर दिया है, अराउंड 1 हफ्ते के अंदर आपको OC यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस अब हम प्रॉपर्टी के अंदर चलते हैं और थोड़ा सा लोकेशन के बारे में समझते हैं कि आसपास डेवलपमेंट क्या हो रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है इस प्रॉपर्टी को लेके, बिकॉज आगे चल के एप्रिसिएशन कैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। नोएडा एक्सटेंशन में किसी भी बालकनी में खड़े होकर व्यू की बात करते हैं तो आपको सिर्फ कंक्रीट जंगल दिखाई देगा, बहुत ही हाई डेंसिटी एरिया है। वहीं पे ग्रेटर नोएडा एक वेल प्लान्ड सिटी है। रोड्स की अगर देखें तो 130 मीटर चौड़ी वाइड रोड है यहाँ पे, 130 मीटर वाइड रोड आपको पूरे NCR में कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो बिल्कुल कॉर्नर लोकेशन की आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ अभी मैं आपको, जिसमें आपको 40 to 42 लाख रुपये स्टार्टिंग रेंज के अंदर 3 BHK अपार्टमेंट मिल जाता है, रेडी टू मूव इन, ऑल इंक्लूसिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लोकेशन के और भी आपको बेहतरीन मतलब पॉइंट में कुछ बताना चाहूँगा। अभी एग्जिस्टिंग की बात करते हैं, एग्जिस्टिंग में अगर आप देखोगे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है पूरा है और यहाँ पे मेट्रो जो नोएडा की मेट्रो है, ग्रेटर नोएडा की मेट्रो, यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन है। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आपकी जो 50-51 से मेट्रो स्टार्ट होगी, जो नोएडा एक्सटेंशन आ रही है 130 मीटर रोड पे, वही सेम मेट्रो फ्यूचर में यहाँ से होके निकलेगी। तो सामने ओमिक्रॉन सेक्टर का स्टेशन यहीं पे बनेगा उसको फ्यूचर मेट्रो में। फ्यूचर डेवलपमेंट में अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर डेवलपमेंट में यहाँ पे मेट्रो होगी और उसके साथ ही बिल्कुल ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे लगता है, हार्डली यहाँ से 5 मिनट की दूरी होगा, जिसको हम KGP एक्सप्रेस वे बोलते हैं, जो एक नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी देता है इस लोकेशन को। किसी भी शहर जाने के लिए अगर आप पंजाब चंडीगढ़ वाली साइड जा रहे हैं तो आपको नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी यहाँ से मिलती है ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे के थ्रू, जो हार्डली यहाँ से 5 मिनट की दूरी के ऊपर है। और ओमिक्रॉन 3 सेक्टर में अभी हम खड़े हैं, इसके बाद ओमिक्रॉन 2 सेक्टर है, 1 सेक्टर है, उसके बाद इकोटेक जोन है सारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे कि नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, नोएडा के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज,
और गवर्नमेंट का इस जगह पे प्लान है करीबन 12 लाख एम्प्लॉयमेंट लेके आने का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अथॉरिटी ने यहाँ पे जो प्लानिंग करी है मास्टर प्लान के अंदर, वहाँ पे 8 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और एक टेक जोन बिल्कुल यहाँ पे साथ लगी हुई लोकेशन के अंदर है। और थोड़ा सा 1 किलोमीटर इस तरफ जाते हैं हम तो वहाँ पे आपको सारे इको टेक जोन वहाँ पे मिलेंगे आपको। करीबन 12 से 15 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, 2 इंस्टीट्यूशनल सेक्टर हैं, 2 कमर्शियल सेक्टर हैं। ये फ्यूचरिस्टिक प्लान को ध्यान में रखते हुए सारी डेवलपमेंट यहाँ पे प्लान करी है कि फ्यूचर में जब यहाँ पे 12 लाख जॉब क्रिएट होंगी तो उसके लिए जगह कहाँ पे होगी। तो ऑलरेडी अथॉरिटी ने, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ऑलरेडी मास्टर प्लान के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूरी के ऊपर आ रहा है, बड़ाकी रेलवे स्टेशन, इंटरस्टेट बस टर्मिनस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से डायरेक्ट मेट्रो आपको मिलेगी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने की, यहाँ से डायरेक्ट मेट्रो आपको मिलती है जेवर एयरपोर्ट जाने की। तो ये फ्यूचर डेवलपमेंट है इस एरिया में जो हो रही है। तो ऐसी लोकेशन पे जो NCR की सबसे बेहतरीन लोकेशन है, वहाँ पे अगर आपको 3 BHK रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट अगर आपको मिल जाता है तो गारंटी इस बात की इस तरह की दूसरी ऑप्शन कोई भी पूरे NCR में आपको नहीं मिलेगी।